नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, एश क्रिएशंस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ टॉप 5 DSLR फॉर बिगेनर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पांचवें नंबर पे मैं रखना चाहूँगा निकोन का D5200। काफ़ी अच्छा कैमरा है। आप इसके स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हैं। 24 मेगापिक्सल का कैमरा, 5 FPS की स्पीड है इसकी। 25,000 का है। अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो क्या पता आपको 23, 22, 23 का भी मिल सकता है मार्केट में। चौथे नंबर पे मैं रखना चाहूँगा निकोन का D3200। जी हाँ दोस्तों, ये भी एंट्री लेवल के लिए काफ़ी अच्छा कैमरा है। इसके भी स्पेसिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। 24 मेगापिक्सल कैमरा है। इसकी कीमत की बात करी जाए तो 22,000 का ये है। थोड़ा सा अगर आप ढूंढेंगे मार्केट में तो आपको 18, 19, 20 हज़ार तक का भी मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर मैं रखना चाहूँगा कैनन का EOS 1200D। जी हाँ, ये भी एक एंट्री लेवल के लिए काफ़ी अच्छा कैमरा है फॉर बिगेनर्स के लिए। 18 मेगापिक्सल का कैमरा है, 3 इंच की स्क्रीन है। 21,000 का इसका प्राइस है। अगर इस ये भी आपको 18-19 तक का मिल जाएगा मार्केट में अगर आप थोड़ा ढूंढेंगे। दूसरे नंबर पे मैं रखना चाहूँगा निकोन का D3300। ये भी काफ़ी अच्छा कैमरा है। इसकी ISO सेंसिटिविटी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसकी ISO सेंसिटिविटी है 100 से लेके 1200-800 तक है। 24,000 का ये कैमरा है मार्केट में। अगर आप इसको भी ढूंढेंगे तो ये भी आपको 21, 22, 23 का मिल जाएगा। नंबर वन पे मैं रखना चाहूँगा दोस्तों कैनन का EOS 1300D। बहुत ही अच्छा कैमरा है। एक्चुअली इस कैमरे ने रिप्लेस करा है 1200D को। तो ये रिप्लेस ही है 1200D का। नया वर्ज़न आया है जिसमें इसमें वाईफाई भी है। इसमें खास बात यही है कि इसमें वाईफाई दे दिया है कैनन वालों ने। 5 FPS की वो है फोकस पर सेकंड, फ्रेम पर सेकंड, और 9 ऑटो फोकस पॉइंट इसमें आपको मिल जाते हैं। इसकी कीमत की बात की जाए तो 24,000 की इसकी कीमत है। अगर इसको भी अगर आप ढंग से अगर मार्केट में थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको ये भी 22-23 का थोड़ा सा आसपास का मिल जाएगा। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको पता चल गया होगा कि कौन से कैमरे कौन सा अच्छा है और आपको कौन सा लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।